22 महीने में हमारे सामने चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास थी प्रदेश का खजाना खाली था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। वो आपका पैसा था। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने संस्थान खोल दिए, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया। मैंने जब उसका आकलन किया, पहले वर्ष मैंने फैसला नहीं किया, और जिस दिन मुख्यमंत्री मैं बना, इस प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ 1 महीने का पैसा था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया है। इस प्रदेश की संपदा को दोनों हाथ से लुटाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। हमने उन दरवाजों को बंद किया। 10-10 लाख रुपए का इनकम टैक्स दिया जाता है, 1-1 करोड़ का इनकम टैक्स दिया जाता है, बड़े बड़े होटलों को सब्सिडी दी जाती है। जिस होटल का टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ों में चलता है, कहा 1 रुपया यूनिट बिजली का इनको भी हम माफ कर देंगे। हमने फैसला किया, बड़े बड़े मॉल बने हैं, एक दिन की कमाई 1 लाख रुपया है। उन सब से हमने अभी तक कमर्शियल से हमने बिजली की सब्सिडी को खत्म किया। आम आदमी पर हमने कोई बोझ नहीं बनने दिया।